सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले तीनों अभियुक्तों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 3 खोखा कारतूस, 1 क्षतिग्रस्त बुलेट को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कर से परेशान प्रयागराज के युवक आशीष मिश्रा ने धर्मशाला बाजार स्थित होटल कैलाश इन के एक कमरे में फंदे से लटक कर की खुदकुशी। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसपी सिटी ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर इमामबाड़ा स्टेट से निकाला गया 12 वफात का जुलूस। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब व उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धूमधाम से मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन। जिले में नदियों के जलस्तर में तेजी है जारी। गोला क्षेत्र में सरयू और राप्ती नदी, सहजनवा में आमी नदी, खजनी में कुआनो और रोहिन नदी के जलस्तर में तेजी के कारण कैंपियरगंज के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, बाढ़ क्षेत्र में या नदी के किनारे रह रहे लोग रहे सतर्क, प्रशासन भी है अलर्ट। एक शातिर अपराधी जितेंद्र निषाद को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जनपद में धूमधाम व गाजीबाजी के साथ निकाला गया 12 वफात का जुलूस। मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन। सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम। और रामनवमी के दिन मौसम खराब होने की वजह से पूर्णिमा के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के द्वारा राप्ती कॉम्प्लेक्स पर विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। कहा, हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद।